लोगों को इस यूथ को लेना है, और मुझे बड़ी खुशी हुई एक डेढ़ साल से आप लोगों का काम देखते हुए कि आप एक डेढ़ साल से इसके ऊपर बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और आप लोगों ने इंतहा की हुई है अपने पाकिस्तान की विक्ट्री रेवोल्यूशन के लिए। इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव को देखें तो कितने वाजह हैं, लेकिन ये समझाना पड़ेंगे बच्चों को भी, यंग जनरेशन को भी और लीडर्स को भी, और ये समझ में आ जाए तो पाकिस्तान में चेंज आ सकती है, वही रेवोल्यूशन आ सकती है जिसके लिए आप लोग एफर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के करेक्टर, आप लोगों की सारी चीज़ें सामने हैं, इसलिए आप लोगों को हमारी दुआ है कि आप लोग आगे चले, हम आपके साथ साथ हैं, और जो एफर्ट्स आपको चाहिए होंगी, जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो हमें आपको प्रोवाइड करने चाहिए ताकि एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस और चेंज का प्रोसेस, एक पाकिस्तान के इर्तका का प्रोसेस कंप्लीट हो और पाकिस्तान अपनी विक्ट्री की ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सर अभी जिस तरह हमने अपने हाल में ही देखा है, एक आपका रेवोल्यूशन आया मिस्र में और एक आपका रेवोल्यूशन आया इजिप्ट में, इन दोनों को आप किस तरह देखते हैं? ये देखें, ये हिस्ट्री में एक चेंज तो है, और इस चेंज के लिए देखिए उन लोगों के इलाकों में जो कंट्रीज के ऊपर लीडर्स थे वो 30-30 ईयर से हैं। लीबिया की सिचुएशन आपके सामने है, 40 ईयर है। पाकिस्तान की सिमट कॉन्फ्रेंस में आने वाला प्रेसिडेंट था कदाफी, और वो इस वक्त खुद जेरे ताब आया हुआ है। तो ये रेवोल्यूशनरी डिप्रेशन की वजह से हैं, यही तो इंतबाह किया जा रहा है इस कौम को कि भाई ये जो लीडर्स हैं अपने आप को ऑशन नाखुल लें, वरना वैसी रेवोल्यूशन आ गई तो वो तो खूनी इंकलाब की बात होती है। अभी हम आप लोग जिसके लिए एफर्ट कर रहे हो वो तो बड़ी ठीक ठाक अच्छी किस्म की एक सोफिस्टिकेटेड रेवोल्यूशन है जिसमें चेंज आ जाएगी, माइंड सेट चेंज होगा। वो माइंड सेट चेंज करने के लिए आपकी एफर्ट मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है। तो सर ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वी आर इंडिपेंडेंट नेशन और नॉट, और दूसरा कि क्या हम मुद्दा कौम, हम मुर्दा कहते हैं क्या हम है? नहीं, मुर्दा कौम है नहीं, वरना इंडिविजुअल पाकिस्तानी देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिविजुअल पाकिस्तानी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसमें एज ए कौम खराब हुई है। वो की है आपके लीडरान ने, वो आपके स्ट्रेटजी और प्लानिंग मेकर्स ने की है, वो इंडिविजुअल पाकिस्तानी ने नहीं की। इंडिविजुअल पाकिस्तानी तो माइक्रोसॉफ्ट में भी अच्छा काम कर रहा है, इंडिविजुअल पाकिस्तानी तो अमेरिका में रिचेस्ट मैनों के तौर पर भी जाने जाते हैं। वो ऐसा नहीं है, बाकी ये कौम मुर्दा नहीं है, इसको मुर्दा करने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए गए हैं ताकि ये डेड जनरेशन हो जाए। अब ये यूथ वाला जो है ये आपके समझते हैं ये पाकिस्तान को बचाने का आखिरी सबब बन सकते हैं? तो इसके अलावा होता है, यूथ के अलावा है क्या? बूढ़े लोग तो काम नहीं करते, बच्चों को सेंस नहीं होती, और यूथ ही इसको लेके चलती है। तो सर आपने अभी जिस तरह कहा कि लोग डिफरेंट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं यूथ, तो इन सबको डिफरेंट प्लेसेस की जरूरत नहीं है, हम इन सबको गैदर किस तरह करें? मेजोरिटी हमें चाहिए, हमें मिनोरिटी नहीं चाहिए। हम इस मिनोरिटी में मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। आपको अपने व्यूज आइडियाज इनसे शेयर करने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा, उनको कॉल करना पड़ेगा, फिर उनको ये बात समझ आएगी तो फिर वो यूनिटी की तरफ आएंगे। जब बात समझ नहीं आती फिर डिस्ट्रक्शन होती है, फिर एक जमात से दो मुख्तलिफ जमातें निकलती हैं। सर ये आपने अभी जो बात किया से किया, आप जरा अपने उससे हमें कोई इस तरह की राह दिखाएं जिस पे चल के हम इन सबको इकट्ठा कर लें, हमें कोई स्ट्रेटजी दें, हमें कोई इस तरह की बात बता दूं। एक तो ये है कि आप इनके तमाम इन ऐसी मूवमेंट्स के तमाम जो हेड्स हैं उनके साथ अपनी एक कॉन्फ्रेंस रखें, उस कॉन्फ्रेंस में अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव लें, वो भी आपको अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे, जो एक यूनानिमस एजेंडा तैयार हो जाएगा उस पर चल पड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।